शिशु का कहा मिल गया, मिल गया। पहले अम्मा शिशु आ गए, मैं उनके पास जाऊं। नहीं 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 तुम अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अभी इशिमा आई नहीं है, तुम सो जाओ। के कहाँ है वो पार्टी? इशिमा को क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बेटा यू नो रोही इधर आओ। कम ऑन गुड गर्ल देयर वी आर। जानती हो इशिमा ने मुझे हमेशा कहा है कि इस घर की सबसे बिग गर्ल तुम ही हो। सच्ची? और ये भी कहा है कि रूही चुटकी सी है लेकिन सबसे ज्यादा समझती है। क्यों बंधु अक्का? बिल्कुल शबु से भी ज्यादा। शबु तो एकदम बुद्ध हुए। और इशिमा ने ये भी कहा है कि मैं तुमसे कभी कुछ ना छुपाऊं, इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो हॉस्पिटल में है। क्या इशिमा हॉस्पिटल में है? लेकिन तबीयत थोड़ी सी खराब है, उन्होंने वो फास्ट रखा था, भूखी थी, थोड़ी वीक हो गई, बस ऐसा होता है। डॉक्टर अंकल ने उन्हें सुला दिया है, दवाई दी है, वो झट से ठीक हो जाएगी। मुझे भी उनके पास ले चलो। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम वहाँ जाओगी तो इशिमा का मन करेगा ना कि तुमसे मिले, तुम्हारा ध्यान रखे, फिर वो आराम कैसे करेंगी? एक बार वो उठ जाएंगी तो मैं अपने आप तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। पक्का? I promise. A smile. Good girl. Come on. मैं तुम्हें सुनाती हूँ। Good girl. Good girl. करोल्तान मगन। अम्मा आप मुझे फाइल दो, मैं ले जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं अम्मा आप थक चुकी हो, हम सब वहाँ पर हैं ना, रमन अप्पा मिस्टर भल्ला। इशु जब उठेगी मैं आपको बुलवा लूंगा। मैं इधर नहीं रुक सकती अम्मा, रोही के लिए, बंधु अक्का के लिए, प्रेगनेंसी में वो कितना संभालेगी बच्चों को, प्लीज। मुंह खोलो, चलो। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोला ना कि मैंने मम्मी से वादा किया है, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। तुम सलमान खान तो हो नहीं ना, ये कमिटमेंट की तो बदल नहीं सकती। चलो इसे छोड़, खाओ। व्रत है मेरा। देखो प्यार से बोल रहा हूँ, खा लो। मर जाओगी व्रत के चक्कर में, बच्चों से जिद मत करो, चलो। अरे क्या 1970 में जी रहे हैं क्या हम लोग? अगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने जमाने की हो गई हूँ। प्लीज, और जान जान की बात कहाँ से आती है? मैं ठीक हूँ, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। यू नो व्हाट, मैंने बहुत प्यार से बात करी, अब खींच के थप्पड़ मारूंगा। एक जिद पे जिद, जिद पे जिद, जिद पे जिद, हद होती है यार। Hey Ishu, how are you feeling? लो मेरे पर तुम्हारे ओम प्रकाश भी आ गए। क्या हुआ? मैंने अभी प्लीज रमन से बोलो मैं नहीं खाऊंगी। खाना तो खाना पड़ेगा। नॉट राइट, कम ऑन। मनी प्लीज, ना मैं रमन के लिए खाऊंगी, ना तुम्हारे लिए खाऊंगी, ना मैं मेरी हेल्थ के लिए खाऊंगी, मैं प्लीज किसी के लिए नहीं खाऊंगी फिलहाल। रोही के लिए भी नहीं? बोलो रोही। रूही को यहाँ कौन लाया? मैं लाया हूँ, इशु से मिलवाने यहाँ। इशिमा आप यहाँ थे, मुझे आपकी बहुत याद आई थी। कैसे हो आप? आ जाओ। ऐसा मैं बच्चा? सब मुझसे झूठ बोल रहे थे, मैंने इतनी बार पूछा इशिमा कहाँ है, इशिमा कहाँ है, पर फिर भी किसी ने नहीं बोला। फिर अभी अंकल आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ हो और आप इसलिए बीमार पड़ गए हो क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। इशिमा आपने खाना क्यों नहीं खाया? सोनाली टीचर कहती है कि खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह और खाना हमारा फ्यूल। इशिमा अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। इशिमा का व्रत है इसीलिए। तो फिर मत खाओ, आप हॉस्पिटल में रहोगी और मैं घर पे रोती रहूंगी, सब गड़बड़ हो जाएगा।
दादी रोएंगी, पापा और गुस्सा करेंगे और सब मुझे शगन मामा के पास छोड़ देंगे। आप यही चाहती हो ना ईशिमा? मेरा बच्चा, सब कुछ नहीं होगा। अच्छे काम के लिए भगवान भी माफ कर देते हैं। एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और माता रानी का दिल उससे भी ज्यादा बड़ा। वो आपको खाने से नहीं रोकेंगे क्योंकि माता रानी अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती, और अगर आपने खाना नहीं खाया तो माता रानी को बुरा लगेगा क्योंकि वो आपकी माँ है। दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है। Very nice. रमन, हर चीज को करने का तरीका होता है। गुस्सा करने से, चिल्लाने से बात नहीं बनती, बात हमेशा बिगड़ती है। थैंक यू अंकल मुझे याद आने के लिए। यू मोस्ट वेलकम डार्लिंग। मनी, सच में थैंक यू सो मच जो कि रोहित को मेरे पास ले आए। इसे देख के मैं वैसे आधी ठीक हो गई। और अब रोहित के हाथों से खाना खा के तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अरे पानी खत्म हो गया, मैं लेके आता हूँ। रोही खत्म कर। अभी हेलो, यू एंड मी नीड टू टॉक। क्या हालत कर ली आपने अपनी, कैसा मूड बनाया हुआ है? मुझे कुछ नहीं, ठीक हूँ। प्लीज आओ। आप इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ ना। आपको ऐसा मूड सूट नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए क्यों वरी करूँ? तुम यहाँ रहोगी तो घर पे मुझे सुकून मिलेगा। अच्छे से गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हो। एक काम करो ना, ठीक से गाली दे दो या चिल्ला दो तो कम से कम मुझे पता तो चले कि आप नॉर्मल हो। मुंह बंद रखो यार, और जिम्मेदारी जानता हूँ। पति, अच्छा पति हूँ तुम्हारा, समझी? पति देव, आप चाहते हो ना मेरा ख्याल रखना, तो एक काम करो ना, मेरे लिए थोड़ा होलिया ठीक करके आ जाओ। कितने टेरिबल लग रहे हो, गो एंड टेक बाथ, घर से ना कर आओ। देखो पति हूँ तुम्हारा, समझी? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। ओके प्लीज जाओ ना बाबा, और मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ। और तुम्हारे साथ यहाँ कौन रहे? अरे बोला ना मैं अकेली कहाँ हूँ, मणि है ना, थोड़ी देर में अम्मा अप्पा भी आ रहे हैं। इट्स ओके। और आप मेरा ख्याल रखना चाहते हो तो खुद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, नहीं तो इस हॉस्पिटल में दो दो लोग होंगे और परेशानी हो जाएगी सबके लिए। एंड प्लीज एक काम करो ना, अब घर जाओ, जाके ना माता जी की जोत एक बार चेक कर लो, एंड फिर प्रसाद भी नहीं बना होगा शायद, फिर पापा जी एंड सिमी कितना काम हो गया होगा ना, उनकी थोड़ी हेल्प कर दो आप। अरे समाज सेवा बंद करो मेरी माँ, जब तुम नहीं थी ना तब भी लोग अपना काम करते थे, तो कर लेंगे। और सुनो, आपने वो बात तो बोली नहीं, झांसी की रानी लेक्चर दे रही है। कुछ नया सोच रहा हूँ। कुछ चाहिए तो मेरे को बोलना, मुझे फोन कर देना।